भाई साहब जाएं भाई, अंदर आने की जरूरत नहीं क्यों रिदा? अम्मी ने कहा था कि तुम्हारे सास ससुर को सलाम करे बगैर नहीं आऊं, और सामान भी तो होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं इसी तरह चला गया। आप कुछ भी कर लेंगे, इन लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हुजूर ने कुछ कह देंगे फिर मुझे भी बुरा लगेगा। आप जाएं प्लीज। अच्छी बात नहीं है, अंदर चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। भाई चलो चलो। मेरी बच्ची कितनी कमजोर लग रही है बेटा, अपना ध्यान रखा करो कुछ। सुन लिया, बाप है आप मेरे, इसलिए आपको मेरे चेहरे की जर्दी नजर आ रही है, वरना मेरे मियाँ साहब से पूछे, इनको मैं हमेशा हट्टी कट्टी नजर आती हूँ, कभी जो मैंने एहसास किया। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, कोई काम हो ना मुझे आवाज दे दीजिएगा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। अनिक बैठो। नहीं वो मैं बस रिदा को छोड़ने आया था। अच्छा छोड़ने आए थे, मैं तो समझी मजीद सामान लेने आए हो यहाँ पे। काशवा खामोश रहो, हम होते कौन है बोलने वाले इनको, अभी कुछ बोल दिया तो फिर बात का फसाना बन जाएगा। आप जाएं। ठीक है। वैसे क्या लेने के लिए आई हो तुम यहाँ, और किसकी इजाजत से कदम रखा तुमने? सराय समझ रखा है घर को? देख रहा हूं मैं तुम्हारे लक्षण और बताए दे रहा हूं, तुम बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हो लड़की। जानते तो हैं, अपनी मर्जी से तो वहां जाकर नहीं बैठी, अब मामला ही कुछ ऐसा था तो। हाँ हाँ अब्बा, क्या हो गया, क्यों ऐसे कह रहे हैं आप? सारे जहां का दर्द इनके जिगर में है, और इनका दर्द हमारे मियाँ जी के दिल में उठता है। अब्बा इनको कुछ मत कहिएगा, ये नाराज हो जाएंगे। क्या क्या रही हो तुम? हाँ मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा था, और तुम? अरे भाई बहू को समझाना तो हमारे फराइज के अंदर है ना सब कुछ। अब उस्मान को देख लो कैसा बुलाए बुलाए फिर रहा है, अगर हम इसे रोकते टोकते हैं तो इसकी भलाई के लिए, वरना हमें क्या लेने देना इनसे। जी जी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहजाद मुनव्वर सिद्दीकी, और इस वक्त आप मुझे ARY डिजिटल के पोर्टल पर देख रहे हैं। सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ARY डिजिटल।